तारा
ततानं वनावलयं केयुरांगतमुद्रकं व्याप्रचरमहापरिधानमुरत्न सिंहासनस्थितम् आगच्छदेव देवेशमुच्चलोकहितेत्या पूजयामि गानेन प्रसन्नोऽस्मि भगवती आद्यशक्तिसहिताय सर्वतत्त्वमूल श्रीमन् श्रीमद्भो सदाशिव आवाहयामि पुष्पको शिवस्य उपर समर्पित करे। हाँ, फिर एक आदमी पुष्प लीजिए आसन के अक्षत के साथ। पादासनं गुरु प्राप्त निर्मलं पूर्ण निर्मितं भूषितं गदायरत्ने गुरुत्वं पादपासनां सर्वतत्त्वमूल श्री गुरुतत्त्वयुक्त आद्यशक्ति उमा महेश्वरा ध्यान नमः रत्न सिंहासनाध्य अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प जला दीजिए। आज महीने जल लीजिए। गंगा ये सर्वतीर्थेभ्यो मया प्राथम्यार्थं सुखस्पर्शं कार्यार्थं प्रतिगृह्यतां सर्वतत्त्वमूल श्री भूतत्वयुक्त साम सदाशिवाय नमः पाद्यं समर्पयामि। जल चढ़ा दीजिए। लिंग के ऊपर जल चढ़ा दीजिए। फिर एक बार सर्व दंडोरगेन पुष्पेण चंदनेन सुगंधिना अर्घ्यं गृहाण देवेश भक्तिमेतरां गुरु फिरता जल चढ़ा दीजिए। सर्वतत्त्वमूल श्री गुरुतत्त्वयुक्त साम सदाशिवाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि। हाँ, मैं चंदन मिश्रित जल ले आसमणि में ले लीजिए। आसमणि में जल लेकर उसमें चंदन मिक्स कर दीजिए। जल पात्र में छोड़ दे। मंदारिणीयात्मानीतं हेमाम्बरूपवासितं स्नानायते मया भक्त्या नीरं स्वीकृतयां विभो सर्वतत्त्वमूल श्री गुरुतत्त्वयुक्त साम सदाशिवाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। फिर एक आत्मनि जल पात्र में छोड़ दीजिए। स्नानानंतर आत्मनियं समर्पयामि। थोड़ा थोड़ा जल एक एक बूंद ऐसा एक एक बूंद जल चढ़ाइए। पुष्प से चढ़ाइए। శివలింగం పైన పుష్పంతో నీళ్లు చల్లండి, నీళ్లు వేయకండి. ఓం ఆపోహిష్కామయోభోస్థానగురుదేశధారణాయమోస్తానర్పయామి. आपने अक्षत दीजिए। अक्षत चढ़ाइए। वस्त्रम सूक्ष्म दुकुले च देवानां दुर्लभम प्राणात्म मातां च प्रसन्नो भव सर्वदा सर्वतत्त्व मूल श्री गुरुतत्वयुक्त साम सदाशिवाय नमः वस्त्रार्थे अक्षतां समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दीजिए। आपको आपको यज्ञों को भी दिया गया है, कुछ यज्ञों को भी तो समर्पित करें। चंदम दानवर यज्ञोपवीतं सहजं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा आयुष्यं भवोत्कस्यम् उपवीतं गृहाणि भो सर्वतत्त्वमूल श्री गुरुतत्त्वयुक्त साम सदाशिवाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। तत्र यज्ञोपवीतान्ते एक आत्मनि जल छोड़ दीजिए। पात्र में एक आत्मनि जल छोड़ दीजिए। तत्र यज्ञोपवीतान्ते आत्मनियं समर्पयामि। चंदन चंदन लगाए। श्रीकंठम चंदनम दिव्यम गंगाध्यम सुमनोहरम विरेवनम सुरश्रेष्ठ मत्तदम प्रतिक्रियताम सर्वतत्त्वमूल श्री गुरुतत्त्वयुक्त साम सदाशिवाय नमः चंदन समर्पयामि। अक्षत चढ़ाइए। अक्षतान चंद्र वर्णाभान शालियान सजिलान सुवान अलंकारार्थम मान्यदान धारयस्य महाप्रभो
సర్వతత్వమూల శ్రీ గురుదత్వయుక్త సాంబ సదాశివాయ నమః అక్షరాన్ సమర్పయామి. పుష్పార్పితరే మాల్యాదీని సుగంధిని మాలత్యాదీని వైభవో మహార్థాని పుష్పాణి పూజార్థం తవ శంకర. సర్వతత్వమూల శ్రీ గురుదత్వయుక్త సాంబ సదాశివాయ నమః పుష్పాణి పుష్పమాలాం చ సమర్పయామి. अभी दो दो दाने अक्षर चढ़ा दे रहे हैं. पुष्प है, अगर आपके पास पुष्प उपलब्ध है तो पुष्प चढ़ाएं या अक्षर चढ़ाते रहें. मेरे अगर पुष्पाल उनके पुष्पाल एक बार अक्षर चलो इकोप का नाम चलता रहो मेरे शिवलिंगम पढ़ना भेजेंगे. ओम शिवाय नमः पादौ पूजयामि. ओम सर्वाय नमः उल्भौ पूजयामि. ओम रुद्राय नमः जानुनी पूजयामि. ओम ईशानाय नमः शंखे पूजयामि. ओम परमात्मने नमः गुरुं पूजयामि. ओम हराय नमः जंघं पूजयामि. ओम ईश्वराय नमः गुह्यं पूजयामि. ओम स्वर्णरेतसे नमः कटिं पूजयामि. ओम महेश्वराय नमः नाभिं पूजयामि. ओम परमेश्वराय नमः उदरं पूजयामि. ओम स्फटिकाभरणाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि. ओम त्रिपुरहंत्रे नमः बाहुं पूजयामि. ओम सर्वास्त्रधारिणे नमः हस्तौ पूजयामि. ओम नीलकंठाय नमः कंठं पूजयामि. ओम वाचस्पतये नमः मुखं पूजयामि. ओम त्र्यंबकाय नमः नेत्राणि पूजयामि. ओम भारतुल्लाय नमः जलाकं पूजयामि. ओम गंगाधराय नमः जटामंडलं पूजयामि. ओम सदाशिवाय नमः शिरः पूजयामि. ओम सर्वेश्वराय नमः सर्वाणि अंगानि पूजयामि. फिर अक्षत और पुष्प ऐसे ही चढ़ाते रहे. ओम निखिलेश्वरानंदाय नमः. ओम वृद्धाय नमः. ओम समृद्धने नमः. ओम अग्रियाय नमः. ओम सिद्धाश्रम प्रमुखाय नमः. ओम प्रथमाय नमः. ओम मंत्रमर्मज्ञाताय नमः. ओम आशवे नमः. ओम सर्वतत्वव्यापिने नमः. ओम अजिराय नमः. ओम तपस्विन्ये नमः. ओम शीघ्रियाय नमः. ओम सिद्धिप्रदाय नमः. ओम शीघ्राय नमः. ओम पंचभूतवशंकराय नमः. ओम पूर्ण्याय नमः. ओम अवस्थन्याय नमः. ओम स्रोतस्याय नमः. ओम द्वीपाय नमः. ओम ज्येष्ठाय नमः. ओम कनिष्ठाय नमः. ओम पूर्वजाय नमः. ओम अपरजाय नमः. ओम मध्यमाय नमः. ओम अपगर्भाय नमः. ओम जगन्याय नमः. ओम बुद्धियाय नमः. ओम सोभ्याय नमः. ओम परिसर्याय नमः. ओम याम्याय नमः. ओम क्षेम्याय नमः. ओम उर्वर्याय नमः. ओम खल्याय नमः. ओम श्लोक्याय नमः. ओम सर्वमन्त्रतन्त्रयन्त्रसिद्धतराय नमः. आपके पास अगर अगरबत्ती है तो धूप जलाएं. అన్నా అన్నా చెప్పన్నా షూట్లో ఉన్నావన్నా అయిపోలే అయిపోలే ఈరోజు లాస్ట్ అన్నా గురు పౌర్ణమి గురించి షూట్ అన్నా. ఓ అమ్మ ఎంతమంది ఇద్దరమే అంతే అన్నా. ఏది డౌన్ చేయరు అన్నా ఒకటి లైవ్ ఒకటి నార్మల్ ఆ రెండు రెండు అన్నా. మనకి కాదు కాదు నాకు వేరే వాళ్ళు చెప్పారు నేను నీకే ఫస్ట్ నీకే ఫోన్ చేస్తున్నా కానీ అది కాదు ఇక్కడనే మన కందుకు దగ్గర అన్న లోపలికి విలేజ్లో ఎక్కడున్నా అన్న చెప్పన్నా. ओम స్వాహా. ఓం ప్రాణాయ నమః. ఓం ప్రాణాయ నమః. ఓం ధ్యానాయ నమః. ఓం ఉదానాయ నమః. ఓం సమానాయ నమః. ఓం బ్రహ్మణే నమః. నైవేద్యం సమర్పయామి. పాత్ర మే చార్ బార్ జల్ చోడ్ దీజియే.
నైవేద్యం మధ్య పానీయాన్ని సమర్పయామి, ఉత్తరాభూషణం సమర్పయామి, హస్త ప్రక్షాళనం సమర్పయామి, ముఖ ప్రక్షాళనం సమర్పయామి, కర ఉపదనాదే చందనం సమర్పయామి. మార్నింగ్ అన్న ఈవినింగ్ అన్న తాముల పూర్వక దక్షిణాన్ని సమర్పయామి. आपके पास पान दिया है, उसपे सुपारी है और तांबूल बोल के सामने रखो. तमलपाकुलु दांट्लो पोक पंडिवडं जरिगिंदि, अदि तांबूलमनि शिवलिंगं मुंदर पेट्टंडि. अभी आप जिस कपड़े पर यंत्र को स्थापित किए हैं, वहाँ पर साइड में एक स्टार बना हुआ है, एक स्टार बना हुआ है, उसे मैथुन चक्र कहते हैं. उसमें जिस पात्र में काले तिल रखे हैं, उस चक्र पर स्थापित करें. और दूसरा तो उस मैथुन चक्र को मैथुन चक्र पर तिल का पात्र स्थापित करें. మీకు స్టార్ ఎంత వేసింది ఉంది, ఏది బట్ట పైన, దానిపైన నవ్వులతో ఉన్నటువంటి పాత్ర ఆ యంత్రం పైన పెట్టి ఆ స్టార్ పైన పెట్టండి. అవి ఆప ఏ బాధ్యాలే యహా. पहला ओम परम तत्व ओम 51 माला बोल के लिखा है. पहले पहले पेज पर, पहले पेज पर लिखा है. उसको 51 माला नहीं, केवल 51 बार बोलना है. ओम परम तत्व ओम, वो बोलने के बाद जो आखिरी मंत्र दिया है वही मंत्र की विशेषता है. जिस इस शिवलिंग में सांब शिव स्वरूप स्वामी सदगुरु से निकेश्वरानंद जी की स्थापना और हमारे मनोमंशा पूर्ण करने का यह पहला मंत्र है. इसमें 11 माला मंत्र जप करने का विधान है. मैं अभी समझता हूँ. 8:07 हुए हैं. मैं आप सभी को 11 माला करने के लिए 30 मिनट का समय देता हूँ. 30 मिनट में जितना हो जाए, नहीं होता है तो उस सभी को कपड़े में बांध कर रखो और रात में कर लेना. इसके बाद में दूसरा मुहूर्त है गुरु जी के, गुरु जी की पूजा करना है, आरती और संपन्न करना है. 30 मिनट तक ये मंत्र जप करने को दो. पति पत्नी दोनों मिलकर भी 11 कर सकते हैं. अगर है तो एक लोग पांच, एक पांच दूसरे मिलकर 11 कर सकते हैं. नहीं तो अकेले है तो कम से कम 5 माला तो जब संपूर्ण करना है. 30 मिनट का समय देता हूँ, मंत्र जप आप पूर्ण करें. और परम ओम परम तत्व ओम इस मंत्र का 51 बार उच्चारण करें. पहले या बाद में कभी भी कर सकते हैं. पूर्ण शांत चित्त से और आपकी इच्छा बोल लो. मंत्र इस प्रकार है. ओम हौं गुं शं निं निखिल शुभतत्त्वाय निं शं गुं हौं फट. ओम हौं गुं शं निं निखिल शुभतत्त्वाय निं शं गुं हौं फट. ओम हौं गुं शं निं निखिल शुभतत्त्वाय निं शं गुं हौं फट. अभी एक बार भार से भार ज्यादा भार हम आचार्यों पर डालते हैं. तुम लोग नहीं गए, तुम करो या ना करो, मैं यहाँ हमारे शिष्य स्वामी को हृदय स्वामी के हाथ में भी माला थमा देता हूँ. वो लोग तुम्हारे बारे में माला करेंगे. तुम तुम्हारा 30 मिनट में कितना कर सकते हो करो.